Good morning, students. Now we start with the theorem that n and n dash be nonlinear space and t from n to n dash be Lt, then t is continuous either at every point of n or at no point of n. Let x1 and x2 be two points of n and let t is continuous at x1. हमने मान लिया कि t जो है वो x1 पे continuous है. x1 पे continuous है तो हमने continuity के definition लगा दी कि given epsilon की corresponding delta exist करेगा. Such that norm tx minus tx1 less than epsilon whenever norm x minus x1 is less than delta. Now let us show t is continuous at x2. तो x2 पे show करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? Whenever norm x minus x2 is less than delta, then norm tx minus tx2 भी क्या होगी? Less than epsilon. इसके लिए हमने x1 को add और subtract किया. इन टर्म्स को एक टर्म बनाया, फर्स्ट थ्री टर्म्स को, और ये हमने सेपरेट रखी. यूजिंग की हमने इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन वन को यूज करेंगे तो अगर नॉम लेस देन डेल्टा है तो नॉम टी अप्लाई करने के बाद लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा. फिर टी जो है आपका वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमने इनको सेपरेट कर दिया. जहाँ से टी एक्स वन वाली टर्म आपकी कैंसिल हो गई और आपके पास क्या आ गया? नॉम टी एक्स माइनस टी एक्स टू एप्सिलॉन. मीन्स टी जो है वो कंटिन्यूस है एक्स टू पे, लेकिन एक्स टू आपका आर्बिट्री है. इसका मतलब टी जो है वो कंटिन्यूस है हर पॉइंट पे. ठीक है, मीन्स अगर वो किसी भी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो हर पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, या फिर वो कहीं भी नहीं होगा. नेक्स्ट है दैट एन 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 डैश विद अ नॉन लीनियर स्पेस एंड टी फ्रॉम एन टू एन डैश बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट एम ग्रेटर देन 0 सच दैट एम नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन. प्रूफ हमें हम लेके चल रहे हैं पहले दैट टी इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन टी ऑफ एन दैट एक्स बिलोंगिंग टू एन बी आर्बिट्रेरी सिंस टी इनवर्स एग्जिस्ट सो देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू टी एन सच दैट वाई इज इक्वल टू टी एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू टी इनवर्स वाई. सिंस टी इनवर्स कंटिन्यूस सो इट इज बाउंडेड. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड की डेफिनेशन से एक रियल नंबर के एग्जिस्ट करेगा सच दैट नॉर्म टी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू के नॉर्म वाई होगा वेन एवर वाई बिलोंग्स टू टी ऑफ एन. फिर यहाँ हमने वाई की वैल्यू रखी. वाई क्या था आपका? टी ऑफ एक्स. तो टी इनवर्स टी आपका कैंसिल होकर नॉम एक्स आ गया लेस देन इक्वल टू के नॉम टी एक्स. के को हमने इधर शिफ्ट कर लिया और वन बाई के को हमने यहाँ एम पुट कर लिया. हमारे पास रिजल्ट आ गया. कन्वर्स लेट देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट एम ग्रेटर देन 0 सच दैट एम नॉम एक्स लेस देन इक्वल टू नॉम टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन. नाउ वी शो टी इनवर्स एग्जिस्ट. टी इनवर्स एग्जिस्ट दिखाने के लिए हम क्या शो कर रहे हैं? फर्स्ट वी शो टी इज 1 1. Let x1 and x2 belongs to n such that t of x1 is equal to t of x2. वन वन शो करने के लिए हम इन्हीं सेम लेके चलेंगे और एलिमेंट्स को सेम दिखा देंगे. तो t of x1 minus t of x2 equal to 0 because t is linear transformation. हम इसको कंबाइन कर सकते हैं. t of x1 minus x2 is 0. Now using equation 1, m norm x1 minus x2 क्या होगा? Less than equal to norm t of x1 minus t of x2 and this is equal to 0 from above result. So norm m norm x1 minus x2 is less than equal to 0 but norm is always greater than equal to 0. So we get norm is equal to 0. This implies x1 minus x2 is 0 means x1 equal to x2 means t kya ho gaya aapka 1 1 ho gaya. This implies t inverse exists on t of n. Otherwise तो आपका inverse exist तब करता है जब मैप आपका 1 1 और on 2 हो. लेकिन यहाँ तो सिर्फ 1 1 आया, लेकिन range space तक तो जाएगा ही. वो range space तक on 2 है ही और range space क्या है इसका? T inverse. Means T inverse exist रेंज स्पेस तक. नाउ वी शो टी इनवर्स इज कंटिन्यूस, या फिर हम क्या शो करें? इनवर्स इज बाउंडेड ऑन टी ऑफ एन. एक ही बात है. लेट वाई बिलोंग्स टू टी एन देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एन सॉरी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स. क्योंकि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू टी इनवर्स वाई. इक्वेशन वन से एम नॉम टी इनवर्स वाई हमने एक्स की वैल्यू रखी है लेस देन इक्वल टू नॉम वाई. तो यहाँ से क्या आ गया? नॉम टी इनवर्स वाई लेस देन इक्वल टू वन बाई एम नॉम वाई और वन बाई एम क्या है हमारा? के है. तो आपके पास क्या आ गया? नॉम टी इनवर्स वाई इज लेस देन इक्वल टू के नॉम वाई. दिस इम्प्लाइज टी इनवर्स इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टी एन एंड हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशंस जो है हम वो नेक्स्ट सेक्शन की